A cart of mass 0.5 kg is placed on a smooth surface and is connected by a string to a block of mass 0.2 kg. At the initial moment, the cart moves to the left along a horizontal plane at a speed of 7 meters per second. ठीक है, तो हमें g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेसिकली ये जो कार्ट है ये तुम्हारा 0.5 केजी मास है जो कि इस स्मूथ सरफेस पे प्रेजेंट है और ये इस स्ट्रिंग से ऐसे करके कनेक्टेड है 0.2 केजी मास के साथ जो कि यहाँ पे ऐसे करके वर्टिकली डायरेक्शन में प्रेजेंट है। एट द इनिशियल मोमेंट द कार्ट मूव्स टू द लेफ्ट अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियली देखो ये जो कार्ट है ये कार्ट तुम्हारा 7 मीटर्स पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और इस कार्ट पे नीचे इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि देखो इस पे तुम्हारा यहाँ पे वेट काम कर रहा होगा इसका 0.2 इंटू जी, इतना वेट काम कर रहा होगा और ये तुम्हारा टी टेंशन यहाँ एग्जर्ट कर रहा है और ये स्ट्रिंग में तुम्हारा टी टेंशन ऐसे है, इस पे इस डायरेक्शन में तुम्हारा वी इक्वल्स 7 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी है और इस टेंशन फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो फिर अगर हम यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करें तो इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसके लिए लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 0.5 इंटू ए और यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं दैट 0.2 जी माइनस टी इज इक्वल टू 0.2 ए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन वन और ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन टू। यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू देखें, फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन दोनों लिखो, टी इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5 ए और सेकेंड इक्वेशन 0.2 जी माइनस टी इज इक्वल टू 0.2 ए, ये तुम्हारा ऐसे करके हुआ तो ये कैंसिल। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया 0.2 जी इक्वल्स 0.7 ए। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकाल ले क्या हो जाएगा, ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल 2/7g, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया 2/7g। किस डायरेक्शन में होगा एक्सेलेरेशन, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन जो है वैल्यू हो गया 2g/7 टूवर्ड्स राइट, ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, अब देखा जाए इस कार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस कार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कार्ट जो है ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये तुम्हारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर्स पर सेकंड और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, ए इज इक्वल टू 2g/7, तो ये रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। तब अब देखते हैं कि तुम्हारा कितने देर बाद यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा जीरो हो जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा के देखो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी को हमारी जीरो होना है, इनिशियल वेलोसिटी 7 दिया हुआ है, ये रिटार्डेशन हो गया 2g/7 और t हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा टाइम देखो 2g/7 इंटू टी इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ से टाइम कर लो क्या हो जाएगा 49/2 × 9.8। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे टाइम का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास 2.5 सेकंड्स। ठीक है, तो देख सकते हैं द कार्ट कम्स टू मोमेंटरीली रेस्ट आफ्टर 2.5 सेकंड्स। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है कि ये 2.5 सेकंड तक यहां से इस डायरेक्शन से तुम्हारा ऐसे गया 2.5 सेकंड तक, तो ऐसे में ये डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं S1। तो देखते हैं कि S1 जो है ये तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर्स पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू भी है हमारे पास, तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाते हैं v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी हो गया मेरा 0, इनिशियल वेलोसिटी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इक्वल्स 2 × एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2g/7, तो × 2g/7 डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारे पास S1। ठीक है,
और ये रिटार्डेशन है तो तुम्हारा नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो -49 इक्वल्स 4g/7 s1 नेगेटिव में, ये गया। तो यहाँ से हम s1 निकाल सकते हैं, s1 का वैल्यू हो गया, s1 हो गया तुम्हारा 49 × 7/ क्या हो गया 4 × g तुम्हारा कितना है 9.8। तो यहाँ से s1 कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा 49 × 7 डिवाइडेड बाई 9.8, आ गया तुम्हारे पास 8.75 meters। ओके, यहाँ पे ये आ गया 8.75 meters। अब देखते हैं कि अगला ढाई सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये जो काट है नेक्स्ट 2.5 सेकेंड में तुम्हारा अब यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑल बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g/7। इस एक्सेलरेशन के साथ अब टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब देखते हैं t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स तक तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे मान लेते हैं s2, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा लो, ठीक है। तो s हमें निकालना है, ये तुम्हारा s2 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये तुम्हारा हो गया जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2g/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम का स्क्वायर जो कि तुम्हारा 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर सारे वैल्यूज डाल दें क्या हो जाएगा 2 × 9.8 / 2 × 7 × क्या हो जाएगा 2.5 × 2.5 होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो s2 का वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो 2.5 का होल स्क्वायर × 9.8 / 7, तो ये तुम्हारे पास आ गया 8.75 meters, ठीक है। और s1 का वैल्यू कितना था, s1 का वैल्यू था तुम्हारा 8.75 meters, ठीक है। तो तुम्हारा फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, s1 + s2, ठीक है। तो हम सौ ये दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है, तुम्हारा कितना आ जाएगा 17.5 meters, जो कि तुम्हारा देखो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन।